Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पर्पल के लिप क्रेयॉन्स का रिव्यू. So, अभी पर्पल में ये लिप क्रेयॉन्स न्यू लॉन्च हुई हैं पर्पल पे एंड मुझे 6 शेड्स रिसीव हुए हैं. और ये जो लिप क्रेयॉन्स हैं कुछ इसी टाइप के इससे पहले भी लॉन्च हुए थे जिनका मैंने अभी आपके साथ लास्ट मंथ दिसंबर में आई गेस रिव्यू शेयर किया था. और वो लिप क्रेयॉन्स अमेजिंग थे. पिगमेंटेशन उनकी बॉम्ब थी. जो उनका पे ऑफ था, जो उनका लाइक स्टे था, अमेजिंग था. और लाइक मेरी फेवरेट में है वो. और अब जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये भी मेरे फेवरेट्स में ऐड हो चुकी हैं जब से मैंने इनको यूज़ करना स्टार्ट किया है. सो पैकेजिंग इसकी ब्यूटीफुल पैकेजिंग है. कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में लिप क्रेयॉन्स आते हैं. सी इस टाइप की पैकेजिंग है. काफ़ी सिंपल पर्पल का कार्टन बॉक्स में आता है एंड नेम वेम सब यहाँ मेंशन किया रहता है. इसका प्राइस है 425 रुपीज़. 3 ग्राम्स का प्रोडक्ट है. और कुछ इस टाइप का जो है ये इसका क्लासी लुक है. इसका लुक बहुत क्लासी है. और जो इसका कलर होता है वो इसके बैक साइड में होता है. लाइक लेट मी शो यू. ये है ये डार्क वाला है शेड है. इसके भी बैक साइड में डार्क है. ये लाइट वाला है. तो ये जो है ये काफ़ी इजी रहता है. मतलब आपको लिप क्रेयॉन खोल के देखना नहीं पड़ेगा. शेड आपको यहीं से दिख जाएगा. और वैसे शेड नेम भी आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाते हैं. यहाँ पे शेड नेम मेंशन है एंड इसका नेम है पर्पल प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रेयॉन्स. बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट लिप क्रेयॉन्स है ये. बहुत ईजिली आपके लिप्स पे ये लग जाते हैं. और मतलब बहुत स्मूथ है. हाई पे ऑफ है और इंटेंस पिगमेंटेशन है. मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ. एक स्वाइप में जो इसकी पिगमेंटेशन है आपको दोबारा इसे स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है अपने लिप्स पे. आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी पिगमेंटेशन है. और इतना क्रीमीली बहुत स्मूथली ये जो है आपके लिप्स पे एकदम अच्छे से अप्लाई हो जाती है. और इसे अप्लाई करने से फुलर लाइक आपके लिप्स ना आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे फुल लगेंगे. जैसे कि आपको पता ही है आजकल ऐसे फुल लिप्स दिखाने का ट्रेंड है. एंड ये ट्रांसफ़र रेसिस्टेंस भी है. इसमें आपको क्या है, इसको आपको अप्लाई करना है. ये एकदम तुरंत के तुरंत नहीं होती है. बट आपने इसे जब अप्लाई कर लिया उसके 10 से 15 मिनट्स बाद आप जब इसे टच करेंगे तो ये ट्रांसफ़र नहीं होती है. यू कैन सी मैंने अभी ये डार्केस्ट शेड लगा रखा है तो ये ट्रांसफ़र नहीं होता है. और लाइक बहुत ज़्यादा खाने पीने के बाद आपको लगेगा तब जाके ये हटती है. अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे से आपके लिप्स पे स्टिक हो जाती है. तो लिप क्रेयॉन होने के बाद भी इसका स्टे इतना अच्छा है वो मुझे काफ़ी पसंद है. सो यार मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है लिप क्रेयॉन्स की. एंड या नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लिप स्वॉचेस.